नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधौगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 11 मोटरसाइकिल सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में राधौगढ़ थाना प्रभारी DPS चौहान ने अपनी टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों की सर्चिंग शुरू की, जिसमें लगातार प्रयास के बाद राधौगढ़ पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी अपने शौक पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों को चुराते थे। मोटरसाइकिलों का नंबर प्लेट बदलकर राजस्थान व आसपास के गांवों में बदलकर बेचते थे। आरोपियों द्वारा चुराई गई मोटरसाइकिलें राजस्थान, कोटा, बारा व मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ब्यावरा सहित अन्य जगहों की है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लगातार होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी ताकि मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा जा सके। उस टीम में मेरे साथ योगेश शर्मा, धन सिंह, माननीय SDOP महोदय टीम के प्रभारी थे। हम लोगों ने लगातार मेहनत करके कंवरलाल और अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर हमने जो है 11 मोटरसाइकिलें बरामद की है। दोनों आरोपी कहाँ थे? आरोपी अर्जुन सिंह अचकलपुर का है और कंवरलाल जो है जिरनिया मकसूदनगढ़ क्षेत्र का रहने वाला। ये कौन कौन सी जगह से पकड़ी मोटरसाइकिल? चार गाड़ियाँ अर्जुन कंवरलाल की निशानदेही से पकड़ी हैं जिरनिया से, और 7 गाड़ी जो है अर्जुन की निशानदेही से जब्त की है। राधौगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह की रिपोर्ट। श्रीराम कॉलोनी निवासी एक मरीज के रिश्तेदार के साथ हुई मारपीट। जिला चिकित्सालय में पर्चा बनाने को लेकर मरीज के रिश्तेदार और हॉस्पिटल कर्मी के बीच हाथापाई हो गई। बकौल रघुवीर पर्चा बनाने के लिए कहा गया, जिस पर हॉस्पिटल कर्मी ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं हॉस्पिटल कर्मी के अनुसार रघुवीर ने पहले अश्लील गालियाँ दी थी, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि रघुवीर ने हाथापाई शुरू कर दी। अब कौन सही है ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। मैसेज कहाँ है? मैसेज कहाँ है? वो साथ में कहाँ है? थप्पड़ दे रही मेरा। किसने? भाई पर्चा बनाने वाले। क्यों क्यों? मेरे मैसेज को इलाज करवा दिया हमने। अच्छा, तो आपको थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ मार दिया। और क्या किया आपके साथ? और माँ कहाँ रहते हो? श्रीराम का। क्या हुआ इनके साथ में? बोल रहे थे जबकि खड़े थे, कहना जो पर्चे बना दो, पर्चा नहीं बना रहे थे वो साले, दूसरे को काम करने लगे थे कहना। अच्छा, तो मैंने थप्पड़ मार दिया पुलिस को कहना। इनमें गाली, हाँ गाली बक रहे थे जमकर। और गाली बकी? हाँ गाली बकी और थप्पड़ भी मार दिया। कोई घटना नहीं हुई, वो अपने मरीज को लेके आया था, हमारा भर्ती रजिस्टर भर गया था, तो हमने उससे कहा कि आप एक मिनट रुको, हम भर्ती रजिस्टर आ रहा है उसमें आपकी एंट्री करेंगे। तो वो तो वहाँ पे जो रेलिंग लग रही थी उसको तोड़ने की कोशिश करी। मैंने कहा भैया आप गुस्सा मत हो, अभी आपके मरीज को भर्ती कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे करा तो यहाँ पे नाखून के टाइप के निशान है और मुझे धक्का दिया। तो मैंने कहा भैया आप मत करो, तो मैंने ऐसे पीछे करा तो बोलने लगा तुम मुझको चांटा मार रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो। और उसने मुझको बहुत वन कर्मियों की हड़ताल का आज 12वां दिन है। इस चिलचिलाती गर्मी में वन कर्मियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, वहीं अपनी मांगे दोहराई। इस बीच वन कर्मियों को साथ देने के लिए आज राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। सरकार एक काम करो, पानी में डूब मरो।
हमारी है, हमको वर्दी तो दिए, हमको वर्दी तो दिए लेकिन अधिकार नहीं दिया, हमको शस्त्र तो दिए हैं, हमको चलाने का अधिकार। अब अपनी मांगों के संबंध में हमारे मंच को साझा करने पधारे माननीय जयवर्धन सिंह जी से अनुरोध के बाद समयमान वेतन मान प्रदान किया जाए। सहायक कर्मी को चतुर्थ श्रेणी में मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार समायोजित कर सातवां वेतन मान अनुपंता नियुक्ति एवं भर्ती प्रदान की जाए। सातवां बिंदु आपका है, वन कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर 5,000 रुपए वर्दी भत्ता प्रदान किया जाए। आज आपका बिंदु है, वन कर्मचारियों के निवास वन रक्षक वनपाल वन क्षेत्रपाल वन क्षेत्रपाल के निवास को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाकर परिवार के निवास हेतु तहसील एवं जिला स्तर पर भवन आवंटित किया जाए। आपका नवा मुद्दा है, वन कर्मचारियों को 13 माह का वेतन प्राप्तिक भत्ता, नक्सलाइट क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नक्सलाइट भत्ता, बिल्कुल सही बिंदु है ये, एवं टाइगर रिजर्व की बेटों में दो संरक्षक को पदस्थित किए जावे, ये भी आपकी बहुत जायज मांग है और इसको भी हम जरूर हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। हक है आपके, हक के लिए मैं जी जान से आपके साथ खड़ा हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग आए उनके भाई आपके आपके बीच आए थे, हमारे नए बुजुर्ग जी मिलकर आप सबके बीच आकर आपका सहयोग कर रहे हैं और हम सब हमारे वन कर्मचारी के साथ जी जान से आपके साथ आपके मांगों के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं। आप सब ने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपने ये बिंदु हमने दिखाया भी है कि आपकी सेवाएं सरकार 34% लेती है लेकिन फिर भी आपको वो अधिकार नहीं दे रही है जो वो अन्य सेक्शन में दे रही है और इसीलिए जो आपकी ये मांग है कि 12 घंटे छुट्टी का अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि आपको रेस्ट करने का भी समय मिले और अगर सरकार ये कहे कि 24 घंटे सुरक्षा करनी है तो आप फिर अधिकारी का देखो वहाँ पे 12 घंटे 12 घंटे दूसरा करेगा, वो आपके मानव अधिकार के अनुकूल है और हमने उसका पूरी तरह से सहमत भी हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता जी। बंधु हमारे बीच पधारकर हमारे लाडले बुजाया साहब ने हमको जो आश्वासन दिया है, हमको आशा भी नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब की चोट करारी है, शिवराज तेरी बारी। हमारा प्रदेश सरकार को आगाह कराने के लिए, शिवराज मामा को जगाने के लिए हमारे गुना सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि शिवराज मामा को जगाने के लिए अर्धनगन प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्रमिक भूख हड़ताल जारी है और हमारे बीच में आज माननीय जयवर्धन सिंह हमारे समर्थन में आए और उनने हमको ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया गया कि हमारी आपकी जो जायज मांगे हैं और न्यायचित मांगे हैं मैं अपने विधानसभा सत्र में आपकी रखी जाएंगी और मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी मांगों के लिए कांग्रेस तैयार है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप मंदसौर तरफ देखिए, आप मालवा तरफ देखिए, वहाँ पर हर दिन फोटो आ रही है जहाँ किसान सड़कों पर आंदोलित है और सबसे जो विशेष मापदंड आंदोलन का है वो ये है कि इंदौर में सब्जियों के दाम बहुत अधिक वृद्धि से बढ़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश भर में नहीं देश भर में किसान आंदोलन बहुत सफल हुआ है और आगे भी अभी 6 और दिन है और वैसे भी परसों 6 तारीख को हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी मंदसौर आ रहे हैं, हमारे सब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और 6 जून से मंदसौर से आने वाले चुनाव का संस्कार कांग्रेस पार्टी करेगी। जहाँ तक माना जाए भाजपा के मंत्री इतने बदमस्त हो गए हैं कि सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं, तो कहीं कोई इस तरह के बयान जो आ रहे हैं इसको लेकर क्या सकते हैं जी? बहुत दुख की बात है कि हमारा धर्म का इतना पुराना इतिहास है, हम हमेशा गर्व के साथ कहते हैं कि शायद पूरे विश्व में अगर सबसे पुराना और सबसे प्राचीन कोई धर्म है तो वो हिंदुइज्म है और अगर भाजपा के उप डिप्यूटी मुख्यमंत्री ऐसे बयान देंगे तो बहुत दुख की बात है और अफसोस की बात है।
तीसरा सवाल वन कर्मी जो लगातार 24 तारीख से हड़ताल पर है, आप आए हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप सोचिए, यही वन कर्मचारी बहुत ही कठिन स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में, घने जंगलों में काम करते हैं, दिन रात उनकी सेवा देते हैं, और उनको राजस्व विभाग के तुल्य में, पुलिस विभाग के तुल्य में उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे सभी हमारे वन कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलित हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी वेतन वृद्धि के बारे में कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में जरूर उल्लेख करेगी, और कांग्रेस पार्टी हमारे वन कर्मचारियों के साथ जी जान से खड़ी है। डीएसओ ने खोला हेल्प काउंटर। छात्रों को दाखिले में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए छात्र संघ डीएसओ ने एक हेल्प काउंटर खोला है, जिसका नाम मे आई हेल्प यू रखा गया है। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा ये है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना। कॉलेज में छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा हेल्प काउंटर मे आई हेल्प यू बैच लगाकर जो नवप्रवेशित छात्र हैं, जो 12th के पास यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको पता नहीं है कहाँ पे फॉर्म जमा हो रहा है, उनकी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो उनके फॉर्म जमा करने में, उनकी फीस जमा करने में, उनके रजिस्ट्रेशन कराने में, और तो तमाम प्रॉब्लम्स आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट पता नहीं है कौन सा फॉर्म किस डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है। तो हर साल की तरह इस साल भी छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ नवप्रवेशित छात्रों की हेल्प के लिए यहाँ पर मे आई हेल्प यू बैच लगाकर उनकी मदद करना है, और ये मदद हम लोग जब तक करेंगे जब तक पूरी एडमिशन प्रक्रिया चालू रहेगी, जब तक डीएसओ की तरफ से हेल्प की जाएगी छात्रों। मंडी द्वारा कराए जा रहे फसल के तोल में आ रही दिक्कत। किसानों का आरोप है कि उनसे ज्यादा अनाज लेकर कम तोला जा रहा है, जिसकी तफ्तीश करने के लिए किसान द्वारा 21 किलो का बाट लाया गया। जब उसका तोल किया गया तो तराजू में 20 किलो ही निकला। वहीं किसानों के साथ धोखा तो किया ही जा रहा है, इसके साथ ही बोरी में से 1 किलो अनाज निकाल कर अलग रख लिया जाता है, जिस पर किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस तरह की धांधली के बाद तोल कर्मी और कर्मचारी मौके से भाग निकले। पत्रकार ने बोला रुक जा, सब अमल कौन है? अरे बाहर है, सब यहीं आ रहे हैं, कहाँ ले रहा है? मंडी से बुला के बोला गए मंडी पहले आ रहा था। 1 किलो हटाए का है, 1 किलो हटाए। ये देखो आप, ये देखो, मुझे बाड़ी से करवा दूंगा मैं। रख दो मंडी भाई, 1 किलो ज्यादा ले रहा तो 1 कट्टा पे चेक करवा देते हैं। बाट भी चेक आपको दूसरा कांटा ले आएगा। कुछ बात कांटे पे इतनी मनमानी चल रही है, कांटे में गड़बड़ है, कांटे में गड़बड़ है। 1 किलो का किसानों के माल में से मारा इन्होंने, ये किसानों का माल है हमारा। एक डाले तो 3 कट्टे। हेलो, अपने मधुर लफड़ा पूरा 1 किलो को मंडी में दिक्कत आई है, 1 किलो के अंदर जा रहा है। अच्छा, और क्या? 1 किलो ज्यादा तोला जा रहा है, 1 किलो ज्यादा तोला। अच्छा, तो इसकी आपने शिकायत करी किसी से? शिकायत हमने तो यल चेक करा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तो मतलब और किसानों के साथ, और किसानों के साथ भी हुआ। तो आपका कितना चना तोला? हमारा 40 क्विंटल। तो 40 क्विंटल में कितना गया? 40 क्विंटल में अपना गया हुआ 2-2.5 क्विंटल एक्स्ट्रा गया। आपने ट्राली तुलवाई थी पहले? नहीं, तोल के लाए सर, यहीं घर से तोल के लाए थे, बड़जान तोली कांटे में। घर से तोल के लाए थे, कितना था आपका चना? उसमें अपना था 43 क्विंटल चना था। अच्छा, अब कितना बचा? 40 क्विंटल। 40 क्विंटल बचा है पूरा। किसानों को लूटने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा। किसानों से लूट का आलम यह है कि प्रत्येक बोरी को तोलने के एवज में 10 रुपए भी लिए जा रहे हैं। समस्या परे है कि क्यों मंडी प्रशासन अपनी मौन स्वीकृति दे रहा है।
जुलाई में सभी किसानों से 10 रुपए कट्टे लिए जा रहे हैं। किस बात के? 10 रुपए कट्टे अम्बाली के लाए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अम्बाली के नाम बारदाना है? बारदाना नहीं है। देखो साहब, हम 11 रुपए तो खड़े हैं, तो 10 रुपए कट्टा मांग रहे हैं। हाँ, क्यों? 10 रुपए कट्टे के अम्बाली के लगते हैं जी। अच्छा, हाँ, और प्राइवेट लेबर है तो उसको पैसे ले जा रहे। सरकारी वाले नहीं ले रहे? सरकारी वाले नहीं, सभी ले रहे हैं वो प्राइवेट के नाम से। और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो नहीं, तो लेंगे खड़ी रहेगी। आप कितने बजे आए थे सुबह? हम 11 बजे खड़े। म्याना के समीप ही केले से भरा ट्रक पलट गया। बता दें कि यह ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिससे केले रोड पर बिखर गए, जिसे ट्रक चालक ने स्वयं ही जमा करता नजर आया। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जिले भर से गुरुजी हुए स्वतंत्रता पार्क में एकत्रित। गुरुजियों का आरोप है कि उन्हें बीच में ही छोड़ दिया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वाभिमान यात्रा में सभी गुरुजी पहुंचेंगे। इसके साथ ही सबसे भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। वहीं यह भी बताया गया कि सभी गुरुजियों को भर्ती दिनांक से वरीयता प्रदान की जाए। भैया जय श्री राम। सर, गुरुजियों को क्या है, हर बार बजता छोड़ दिया जाता है, इसलिए यार आज हम गुना स्वतंत्रता पार्क में सैकड़ों की संख्या में वो गुरुजी इकट्ठे हुए हैं, जो कि कल साजानी पार्क में मुख्यमंत्री स्वाभिमान यात्रा है, उसमें आज रात्रि लगभग 2 बजे गुना रेलवे स्टेशन पे अधिक से संख्या में गुरुजी एकत्रित होंगे। तो कुछ साथ गुना रेलवे स्टेशन से रेलों के द्वारा जा रहे हैं, कुछ बसों से, कुछ अपनी पर्सनल गाड़ियों से भोपाल रवाना होंगे। भोपाल साजानी पार्क में सब लोग पहुँच रहे हैं, तो अतः गुना के समस्त गुरुजी साथियों से विनम्र आग्रह, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें, जिससे कि गुरुजी की ये अंतिम लड़ाई जिसको जीता जा सके। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हमारा मुख्य मुद्दा है, सिर्फ एक ही मांग है कि गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यह कहना है ब्रजभूषण महाराज का। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में अनेक शत्रु होते हैं, एक से एक बड़े शत्रु होते हैं, लेकिन मनुष्य का जो निकटतम शत्रु होता है, जो जीवन को किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं करने देता, वह है आलस्य। इस कथा का आयोजन यादव परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक में आना में रखा गया है। तो चूड़ा मणि उन्हीं के साथ चली गई है। सीता जी पे मालूम था कि जिस जगह चूड़ा मणि रहेगी उस राजा की हार कभी होगी नहीं, और जब तक मैं लंका में हूँ अगर चूड़ा मणि मेरे पास में रहेगी तो रावण कभी हारेगा नहीं। चूड़ा मणि कहाँ से आई थी? चूड़ा मणि शंकर भगवान ने इंद्र को दी थी। शंकर भगवान ने चूड़ा मणि इंद्र को दी थी और इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी को चूड़ा मणि दी थी। और जब दशरथ जी को वो चूड़ा मणि दी थी, क्योंकि दशरथ जी देवताओं के सेवक थे, ऐसी कथा मिलती है, तो दशरथ जी पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने चूड़ा मणि दशरथ को दे दी और दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के अपनी बहू सीता को वो चूड़ा मणि दे दी थी। बोले बेटी, ये चूड़ा मणि तो तेरे पास में रखना। तो तब से ही वो चूड़ा मणि उनके पास में थी। प्रेम से बोलो वृंदावन में
म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पत्रकार कॉलोनी के पास कबाड़ खाना के गोडाउन के बाहर मैदान में रखे कबाड़ में लगी भीषण आग। 8 से 10 दमकल की वाहन गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही करीब 10 से 15 लाख का कबाड़ जलकर खाक हो गया। आग के कारण अभी तक अज्ञात हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है एवं मामला जाँच में ले लिया है। पीछे की तरफ से लगाई है, उस तरफ से ये पेड़ की तरफ से। अच्छा, किसी ने लगाई है? लगाई है। कितने बजे की आग लगी? 3:30 बजे के समथिंग। तो चौकीदार वगैरह नहीं रहता था? चौकीदार वगैरह रहते हैं, उन्होंने फोन लगाया है। इसके बाद हमने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाया है, वहाँ अपने हाथ से फायर ब्रिगेड लेके आए साथ में जाके, और फायर ब्रिगेड उसे भिजाइए। कितने का करीब नुकसान हो गया होगा? 10 से 15 लाख रुपए के आसपास नुकसान। आपका क्या नाम है? आशीष। कौन का ये कबाड़ा? दीपक भैया की। राधोगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पार्षदों ने की नगर की साफ सफाई। राधोगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मियों की काम बंद हड़ताल आज भी जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं एवं हड़ताल के चलते नगर की साफ सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज 4th दिन है। सफाई कर्मियों के अभाव में कांग्रेस कार्यकर्ता व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष व नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर कर रहे हैं साफ सफाई। नगरपालिका कर्मचारी 4th दिन भी हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का कहना है कि परिषद के सदस्यों द्वारा सिर्फ बाजार में ही साफ सफाई की गई, बाकी जो जगह हैं वहां पर साफ सफाई उनके द्वारा क्यों नहीं की गई? क्या यह साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी? कहां पे? हम लोग 1 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज तक हमारे से कोई भी आकर अधिकारी ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, और इस विषय में हमने ज्ञापन दिया है, ना उसका कोई उन्होंने निराकरण किया हमारी मांगों का। 3 सूत्री हमारी मांग है। ये बाल्मीक समाज के साथ शोषण है और उनकी बाल्मीक समाज की आवाज़ के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई नेता का दबाव आ रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? नेताओं का दबाव तो नहीं आ रहा, लेकिन अधिकारी हमारे सुनने से बिल्कुल कोई भी अधिकारी तैयार नहीं हमारी मांगों को सुनने के लिए। कांग्रेसी पार्षद स्वयं झाड़ू लगाते हुए नल्ली से थेरी निकालते हुए रावगढ़ स्वीपरों की हड़ताल को देखते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष एवं अमले ने खुद झाड़ू अपने हाथ में संभाला और सफाई करते हुए इस सफाई की शुरुआत आज राम जी के मंदिर से शुरू हुई है। तो आप देख सकते हैं गंदी नालियों को साफ करते हुए कांग्रेसी का पार्षद, नगर पालिका हमला भी कुछ हद तक साथ है। कैसे के बाजार में इन लोगों ने काम किया, अन्यथा बाजार में से करके चले गए। अब ये बाकी के और वार्ड मोहल्ले हैं, इनमें काम कौन करेगा? जैसे के हमारे पास के नाले में सुअर सड़ रही है, गाय पड़ी है, गंदगी पड़ी, बच्चों की लेटरिंग पड़ी, वो साफ कौन करने आएगा? हमने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ सुनने उन लोगों ने दबा दी। अब आगे उनने झाड़ू लगाई, अब ऐसे रोज करके देखा है, और आप मोहल्ले वो इनमें सफाई करें। अगर राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। राधोगढ़ में जय ज्योति जय क्रांति एकता रथ का हुआ आगमन। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड टीम मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त माली समाज एकता रथ 16 मई 2018 से उज्जैन से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के संपूर्ण 51 जिलों का भ्रमण कर रही है, जिसमें 44वें जिले गुना के राधोगढ़ नगर में आगमन हुआ, जिसमें रामनगर रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्थल गणेश मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बसों में निकल रही है उस पर डिटेल में हमारे विनोद भैया जी आपको समझाएंगे कि इस यात्रा का क्या लाभ है और ये यात्रा क्यों निकालना जरूरी थी और ये यात्रा में किस प्रकार का समर्थन अपने माली सेमनी समाज का देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे जिलों में विनोद भैया घूम रहे हैं, उनकी इस यात्रा के क्या अनुभव हैं वो डिटेल में आप सबको बताएंगे। आज इस गणपति महाराज जी के मंदिर को सभी श्रद्धालुगण सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र लगाए हैं जो शानदार चित्र लगे हैं उन चित्रों का जो चरित्र भी अपन अगर थोड़ा सा जान लेंगे तो अपने लिए बहुत बड़ी बात। सर्वप्रथम उधर जो चित्र लगाए स्वामी विवेकानंद जी महात्मा भूले का लगा सावित्रीबाई भूले का लगा उसके बीच में माँ सरस्वती का लगा है उधर भगवान नाम दरबार पूरा इनका जीवन इनके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान रखें काम अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है उस काम को आज इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन साथ ही हमारे साथ में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ सलाहकार गोपाल जी कश्यप भाई साहब और आदरणीय कैलाश जी चौहान साहब आप सबके निर्देशन में आप सबके राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। धरनादा के राजा श्री राजेंद्र सिंह को क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। धरनादा व आसपास के सभी क्षेत्र से आए जन समूह ने नम आंखों से व अश्रुधाराओं से अपने राजा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र सिंह पंचतत्व में हुए विलीन। जैसे ही ये खबर आसपास के गांव व क्षेत्र में फैली तो लोगों को मालूम पड़ते ही थोड़ी सी देर में जन सैलाब उमड़ पड़ा और सभी ने नम आंखों से अपने पूर्व राजा को अंतिम विदाई दी। राधोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह और सम्माननीय जन व अन्य लोगों ने आकर अंतिम विदाई दी एवं उनके दोनों पुत्रों समरजीत सिंह व अक्षय सिंह को दिलासा दिया। कहीं लोगों के मुंह से यह कहते सुना गया कि आज हमारे राजा हमें अकेला छोड़कर चले गए। राजा साहब की आयु 93 वर्ष बताई गई। बड़े ही हसमुख व गरीबों की मदद करना तथा पूर्वजों से लेकर अभी तक गांव में रामलीला व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की करना इनकी परंपरा को 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। राजा साहब मधुर स्वभाव के धनी थे। धरनादा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। शहर में यातायात किस तरह से प्रभावित होता है और कैसे इसे सुचारू रूप से चलाया जाए ये शायद यातायात पुलिस सही से नहीं कर पा रही। यातायात पुलिस तो बस चालान काटने से मतलब है। आज ऐसा ही एक नज़ारा जो हमारे जागरूक दर्शक ने देखा और उसे कैमरे में कैद कर हमें भेजा।
जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दबंग लोग अपनी चार पहिया गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ी कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उनकी सरकत से रास्ता जाम हो सकता है। ये नजारा है बंधन बैंक के सामने का, जहां दबंग ने अपनी गाड़ी बीच रोड पर ही खड़ी कर दी। हम हमारे जागरूक दर्शक अनिल कुशवाहा को इस वीडियो के लिए धन्यवाद देते हैं, साथ ही आग्रह करते हैं कि यातायात पुलिस से कि इस तरह की रास्ते में गाड़ी खड़ी करने वाले लोगों को दंडित किया जाए। आप सभी दर्शक भी हमें इस तरह की वीडियो भेज सकते हैं जिसको प्रमाणीकरण के बाद आपके नाम के साथ दिखाया जाएगा। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।